हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है वैष्णो इंग्लिश फूड में। और आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और झटपट बनने वाला डोसा। और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और इसे बनाना बहुत ही इजी है, एकदम क्रिस्पी बनेगा। तो चलिए हम डोसा बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड टिप्स बाय टिप्स फॉलो करें। तो चलिए डोसा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कटोरी करीब चीनी ली है, इसको हम ग्राइंड जार में डालेंगे। यहाँ पे बेसन, गेहूं का आटा, एक चमची चीनी लेंगे बाइंडिंग के लिए। और इन सबको हम एक मिक्सर जार में अच्छे तरीके से पीस लेंगे। इसमें हम दही का इस्तेमाल करेंगे, 4-5 चमची के करीब फ्रेश दही। और इसको हम डाल के 4-5 बार अच्छे से पीस लेंगे, एकदम बारीक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसमें कोई पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, और इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। और यहाँ पे इसमें हल्का पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स कम से कम 5 मिनट तक करेंगे। नमक डालेंगे और नमक को भी हम अच्छे से मिलाएंगे। और साथ में ही इसमें 1 चमची के करीब मीठा सोडा डालेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिलाएंगे। तभी अच्छे से मिल जाएगा। तो इसे हम साइड से हटा के और इसे एक प्लेट से ढक देंगे हम 10-15 मिनट के लिए। और यहाँ पे आलू का मसाला बना लेंगे। तो इसमें डालेंगे हम चना दाल, खड़ी लाल मिर्ची, सरसों, जीरा। इन सबको चटकने के बाद 2 मिनट हो जाए उसके बाद डालेंगे हम प्याज, हरी मिर्ची। इनको हल्का सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। इसमें नमक, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला एंड बेसिक मसाले सारे डाल देंगे। इन सारे मसालों को मिलाने के बाद हल्का सॉफ्ट मसाला पक जाएगा। उसमें हम आलू डाल लेंगे बॉइल किए हुए और अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे अपनी चटनी पूरी बनके तैयार हो चुकी है, तो साइड में रखेंगे। डोसा बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक तवे पे पहले डोसा तवा पे हम मीठा तेल लगाएंगे यानी कि रिफाइंड ऑयल, और अच्छे से चमचे से तवे पे अच्छे से फैलाएंगे और इसे अच्छा गर्म हो जाने देंगे। चारों ओर अच्छे से घुमाएंगे तवे को, और जब ये अच्छे गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम कुछ पानी की बूंदे डालेंगे, आंच को मंदी रखेंगे और अच्छे से सूती कपड़े से या रूमाल से हम पोंछ लेंगे। और अब हम इस पे डोसा का बैटर डालेंगे। और यहाँ पे देखिए 15 मिनट हो चुके हैं बैटर को, और यहाँ पे अभी इसके हल्का पानी डालेंगे और पतला कर लेंगे। यहाँ पे 1/2 ग्लास के करीब पानी डालेंगे और डोसा हम बनाएंगे। आप तो यहाँ पे हम 1 चमची के करीब बैटर डाला है, 1/2 चमची के करीब, और अच्छे से इसको फैला देंगे। और जब ये एक ओर से अच्छे से पक जाएगा तो इसमें हम डालेंगे मीठा तेल किनारों से ताकि ये आसानी से निकल जाए। कम से कम 5 मिनट तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे। पहले शुरू में हम इसे मध्य आंच पे जब डालें बैटर तो आंच को मध्य रखें, और जब ये पूरा डल जाए तो हम इसे कुछ इस तरीके से हिलाएंगे और चारों तरफ आंच दिखाएंगे इसको, ताकि डोसा पूरी तरीके से अच्छा पक जाए। और चमची से साइड से तेल को अच्छे से स्प्रेड करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए, और कहीं पे अच्छा सेव देंगे इसको। और यहाँ पे एकदम 5 मिनट बाद देखेंगे कि डोसा एक ओर से अपना अच्छा पक गया है। तो इस पे हम मसाला रखेंगे और अच्छे से इसको फैलाएंगे। और आप सिंपल भी बना सकते हैं, मसाला के साथ खा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे इसको हम फोल्ड कर देंगे, और यहाँ पे अपना पहला डोसा बनके तैयार हो चुका है। और सेम तरीके से हम दूसरा डोसा बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरा पहली में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन दूसरा एकदम परफेक्ट मतलब गोल शेप आया है। यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने पहला डोसा बनाया था सेम तरीके से हम तेल लगाएंगे मीठा वाला, या आपके पास बटर हो तो वो भी लगा सकते हैं आप।
अच्छा सुनहरा एंड क्रिस्पी होने तक इसे पकाएंगे। आप दोनों ओर से भी पका सकते हैं हल्के हल्के, और यहाँ पे मसाला रखेंगे और फोल्ड कर लेंगे तो एकदम क्रिस्पी डोसा बन के तैयार है। और आप, ये मैंने मसाला डोसा बनाया है, आप चाहें तो सिंपल डोसा भी बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।